नमस्कार, आप देख रहे हैं थलको शेखावटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। नीम का थाना के खेतड़ी मोड़ पर तेजा दशमी के उत्सव पर वीर महावीर गोरक्षा में तत्पर, गोरक्षा में अपने प्राणों की बलिदान करने वाले भगवान वीर तेजा जी लोक देवता के उपलक्ष में जाट समाज व अन्य समाज के लोगों द्वारा वीर तेजा जी यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज वीर तेजा दशमी का कार्यक्रम है। वीर तेजा दशमी पर अनेक यहाँ पे नेतागण जुटे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी, समाज सेवी दल्लाराम चौधरी, पूर्व छात्रावास जाट समाज अध्यक्ष हरि सिंह गोड़ावास, नीलू राजवाली सहित अनेक लोग हैं और पटाखे छुटाकर विजय तेजा दशमी का उत्सव मनाया जा रहा है। और ये आपको तेजा दशमी जी के, तेजा जी के दर्शन यहाँ पर पुष्प श्रद्धा सुमन अर्पण किया जाएगा वीर तेजा जी को और पटाखे यहाँ पर छुड़ाए जा रहे हैं। ये खेतड़ी मोड़ का दृश्य है, ये आप देख रहे हो। पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। वीर तेजा जी के, शेयर करें पोस्ट। एक जनो आप नया वीडियो बना लियो आटा फोन से, आटा फोन था देख सकते हैं आप। वीर तेजा जी का जो तेजा दशमी उत्सव है वो यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी समाज के और जाट समाज के मुख्य यहाँ पर नेतागण और सभी समाज सेवी और समाज के मुख्य लोग, कार्यकर्ता, युवा सभी मौजूद हैं। और यह उत्सव खेतड़ी मोड़ चौराहे पर भगत सिंह सर्किल पर मनाया जा रहा है। और भगत सिंह सर्किल की भी यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द भगत सिंह सर्किल का निर्माण हो और जो मार्ग ये इसका खेतड़ी मोड़ चौराहे का नाम भगत सिंह सर्किल निकाला गया था वो भी जल्द से जल्द निर्माण होकर पूरा कार्य रूप हो उसका। और उसके बाद अभी ये सारे लोग जुटे हैं, वीर तेजा जी जो गोरक्षा में अपने प्राण नौछावर किए थे उनकी जो तेजा दशमी का कार्यक्रम है वो यहाँ पर मनाएंगे, पुष्प अर्पण करेंगे और लड्डू भी बांटेंगे, पटाखे भी छुटाए हैं। और बाकी बताएं आप, बाकी बात करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलपी पार्टी के मनीष चौधरी, आप क्या कहेंगे तेजा दशमी और तेजा जी के बारे में? सबसे पहले आज पूरे प्रदेशवासियों को तेजा दशमी की शुभकामनाएं देता हूं। आज तेजा जी का बलिदान दिवस है। तेजा जी ने गोरक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया और हमेशा सत्य की राह पे चले, हमारे सबको उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। सत्यवादी वीर तेजा जी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना एक उन्होंने जो नाम रोशन किया वो हमारे सबके लिए गर्व की बात है। तेजा जी की आज बलिदान दिवस है, जो मैं समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, पूर्व अध्यक्ष हैं जाट समाज के हरि सिंह गोड़ावास, तेजा दशमी के थोड़ा सा तो कहिए आप। दल्लाराम जी चौधरी हैं जो समाज सेवी हैं और सभी जोर से बोलिए आप। देशवासियों को, युवा साथियों को, नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ टाइम निकाल करके और उनके सत्यता के मार्ग पर ये चले, यही कहना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे ओम प्रकाश? सभी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। तेजा जी एक ऐसे महापुरुष थे, विश्व में जितने भी महासंग्राम हुए हैं, पौराणिक युद्ध हुए हैं, वो
किसी न किसी धर्म विशेष को लेके, जाति विशेष को लेके, स्त्री विशेष को लेके हुए हैं। एक तेजाजी महाराज ने ही अपने प्राणों की उत्सर्गी सिर्फ किसी दूसरे की रक्षा यानी गायों की रक्षा या दूसरे काम के लिए दी थी, इसलिए उनके सत्कर्मों पर चलते हुए मैं सभी प्रदेशवासियों यही कामना करता हूँ कि उनके विचारों को और अपने आत्मसात करें और करें। तेजाजी महाराज गाय की रक्षा में तत्पर रहते थे, गाय के लिए बलिदान दिए। आप जाट समाज और सर्व समाज क्या करेगा गाय के लिए, गोवंश के लिए? आज भी हम तेजाजी महाराज के बताए रास्ते के अनुसार चलते हैं, गोरक्षा के लिए और समाज के सदैव हित के लिए कार्य करते रहेंगे और आगे भी हम कार्य करने की प्रेरणा देते रहेंगे उन्हें। बिल्कुल धन्यवाद। जो भी है तो बना लीजिए, वीडियो बना लीजिए, बना ले। सभी जाट समाज के प्रमुख गणमान्य लोग पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं वीर तेजाजी महाराज को। और देख सकते हैं आप यहाँ पर रोशन चौधरी, लीलू राजवाली और भी लोग हैं, नाथुराम शर्मा, सुमेर सिंह गोड़ावास और भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे। विजय जी, रोशन जी अगर जा रहे बड़ी नौ यहाँ पे अब वीर तेजा दसवीं के उत्सव पर लड्डुओं का वितरण भी, प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। देख रहे हो तुम? देख रहे हो? आगे ना होते? तेरे मुंडो तो यही है, देख ले।